हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सेल्फ मेकओवर में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है आपकी स्किन के लिए, जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो मैं बताऊँगी CTM के बारे में। CTM क्या होता है, जैसे आप सबको पता नहीं रहता है, कोई भी मेकअप कर लेते हैं और CTM फॉलो नहीं करते हैं तो बाद में आपका मेकअप भी खराब हो जाता है और आपकी स्किन भी बहुत डैमेज हो जाती है। आप उसको साफ़ करने लगते हैं तो आपकी स्किन में भी स्क्रैच आ जाते हैं और ड्राई हो जाती है स्किन। तो आपको CTM फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो CTM क्या होता है, CTM में 3 स्टेप्स रहते हैं। उसमें रहता है क्लिंजिंग मिल्क, और क्लिंजिंग मिल्क रहता है तो जो आपकी स्किन को क्लीन करने काम आता है। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो क्लिंजिंग मिल्क आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, ड्राई स्किन में मॉइस्चर का काम कर। तो आपने नंबर 1 स्टेप सुना मुझसे कि वो क्लिंजिंग के बारे में। तो उसके बाद आता है टोनर। आपको टोनर का यूज़ करना बहुत जरूरी है फेस को टाइटन के लिए और ग्लो के लिए। हम टोनर का यूज़ करते हैं। टोनर करने से हमारे स्किन काफ़ी ग्लो करती है और जिसकी स्किन में दाग धब्बे होते हैं वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है M, यानी मॉइस्चराइजर। तो क्लिंजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम है हमारी स्किन में मॉइस्चर रखना। आप कोई भी अगर मेकअप करते हैं तो सबसे पहले बेस होता है, ये सब चीज़ें आपकी स्किन में अच्छे से एकदम ऑब्जर्व हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी मेकअप करोगे तो वो अच्छे से सेट होगा, अच्छे से बैठेगा आपकी स्किन पे। तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपकी स्किन पे पैचेस दिखेंगे और जो भी चीज़ आप उसके बाद लगाओगे तो वो अलग से दिखने लगेगा। यदि आपकी स्किन में मॉइस्चर रहेगा, CTM आप फॉलो करके रहेंगे तो आपकी स्किन एकदम अच्छे से ग्लो करेगी मेकअप के बाद भी, और मेकअप काफ़ी हद तक काफ़ी लास्टिंग रहेगा। तो इस प्रकार से आप CTM फॉलो करने के बाद ही आप कोई मेकअप करें। यदि आप रात को भी इसको यूज़ करते हैं तो आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रात में फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद आप टोनर का यूज़ कीजिए और अंत में आप मॉइस्चराइजर का यूज़ करके इस प्रकार से आप सो जाइए रात में। तो सुबह आपकी स्किन देखिए आप कितनी ग्लो करती है और धीरे धीरे आपके स्किन के जो भी दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो सारे कम होने लगेंगे। आपको इसका बहुत बहुत जल्दी ही दिखने लगेगा। तो हम तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्किन डिटेंस किट है। ये 3 सिंपल स्किन केयर स्टेप्स फॉर ए ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन के लिए। ये 3 स्टेप्स हैं आपके। ये VLCC का डिटेंस किट है, आपने यहाँ पर देख रखा है। इसमें 3 चीज़ें एक साथ कॉम्बो में हमने मंगाई हुई हैं। तो इसका रेट है 240 रुपीज़। तो आप इसको अलग से लेने से ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम तीनों चीज़ों में से सबसे पहले ये है हमारा मॉइस्चराइजर VLCC का, और ये है क्लिंजिंग मिल्क। तो क्लिंजिंग मिल्क हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। मॉइस्चराइजर को ये हमारी स्किन में जो भी मॉइस्चराइजर है उसको साफ़ करता है क्लीन करने से। और ये है टोनर, ये VLCC का टोनर है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसको रात में यदि आप लगा के सो जाइए तो आपके सारे पोर्स बंद हो जाते हैं। इससे आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं वो करी करी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये आपके टोन्स को भी लाइट बनाता है। आपके अगर फेस में काफ़ी दाग धब्बे हैं तो धीरे धीरे ये कम करेगा। आपको पता है ये तीनों चीज़ें किस प्रकार से हमने तीनों चीज़ों के बारे में बताया CTM के बारे में। तो CTM बोलते हैं लेकिन उसका मतलब किसी को पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी मेकअप करने से पहले इसको लगाएंगे, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो VLCC जो कंपनी है तो इसके ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद रहते हैं। आप डेली इसको नाइट में लगाइए और दिन में भी आप लगा सकते हैं। आप कोई भी अगर उसके बाद मेकअप ना भी करें तो आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी। तो जैसे आपको पता है कि मॉइस्चराइजर में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं, तो ये VLCC का मॉइस्चराइजर है जिसमें हमको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमको काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। तो टोनर भी हमारा ये बहुत अच्छा है और क्लींजर है। सबसे पहले आप क्लीन कर लेंगे कॉटन से फेस को, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप टोनर यूज़ कर लेंगे और अंत में आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेंगे, जिससे आपका फेस बहुत ही ग्लो करेगा। धीरे धीरे आपकी स्किन के दाग धब्बे सारे कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और आपको मैं ऐसी नई नई चीज़ें बताऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक मेरे वीडियो तुरंत ही पहुँच जाएंगे और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और नई नई वीडियोज़ में नई नई जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। तो